हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग स्टाफिंग का पार्ट वन हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके अंदर हमने देखा था स्टाफिंग क्या है स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है आज हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं इसको टोटल क्लास फोर टू फाइव पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा आज सेकेंड पार्ट है तो आज जितना भी कुछ बताऊँ उसे प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना उसके नोट्स बना लेना नोटबुक के अंदर अच्छे से रख के और कोशिश करना कि आप जितने भी इम्पोर्टेंस है फीचर्स है मैरिट डी मैरिट इन सबको अच्छे से लर्न करें राइट चलो तो स्टाफिंग के अंदर जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो बात करते करता है एच की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पहले ही सिलेबस में नहीं हुआ करता था बट अभी आपको ये सिलेबस के अंदर पढ़ना है राइट तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या थोड़ी सी बात बताऊँ क्लास आपको अगर मैं बोलूँ ये पूरा का पूरा एच है अगर मैं बोलूँ ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो इसका एक छोटा सा जो पार्ट है वो स्टाफिंग है

इट इज़ डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी एंड इट इन्वॉल्व क्लास इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व एम्प्लॉय को हायर करना उनकी ट्रेनिंग देना उनको मोटिवेट करना उनके प्रमोशन से लेकर उनको उनकी उनके बारे में हर एक चीज मैनेजमेंट करना एच आर एम बेसिकली क्या होता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उनका एक और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बट जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो स्टाफिंग से ही काम चला लेती है वो एक नया डिपार्टमेंट नहीं बनाती क्योंकि क्या देखो डिपार्टमेंट बनाने में खर्चा आता है लोगों को रखना पड़ेगा स्पेस चाहिए काफी एक्सपेंस आता है तो ये जो बड़ी कंपनी होती है ना उन्हीं का एचआरएम डिपार्टमेंट होता है छोटी कंपनी ओनली स्टाफिंग कर लेती है ध्यान समझना इट ऑल्सो इंक्लूड्स एच के अंदर क्या इंक्लूड्स होता है एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइजन विद द गवर्नमेंट सरकार से कनेक्शन रहता है इनका कनेक्शन सेंस इनको क्लास इन्फॉर्मेशन पता रहती है गवर्नमेंट से क्लास इनकी बातचीत होती जुड़े रहते हैं ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा वेन दीज फंक्शन आर आउट कैर स्मॉल स्केल जब जब यही चीज स्मॉल स्केल पे चलता है क्लास स्मॉल स्केल पे चलता है उसको बोलते हैं स्टाफिंग बट वेन दीज फंक्शन आर परफॉर्म अ लार्जर स्केल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन देर इज नीड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जब ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़े स्केल पर काम कर रही होती है एक नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है सेपरेटली एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एचआरएम राइट चलो अब देखते हैं क्लास की ये HRM के अंदर चीजें क्या क्या आती हैं तो ये करके हम सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो एचआरएम के अंदर कवर होगा लाइक रिक्रूटमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया कॉम्पनसेशन बेनिफिट परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया एम्प्लॉय का मोटिवेशन हो गया करियर डेवलपमेंट हो गया कंडक्ट जॉब एनालिसिस ये सारी की सारी चीजें क्लास कवर होंगी एच के अंदर मतलब ये सारा का सारा काम एच के अंदर हो रहा होगा तो क्या क्या होता है क्लास सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेशन द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंट जॉब मतलब भैया ये जो एच है इसके अंदर एक डिसीजन होता है तुम्हें कितने एम्प्लॉय किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है एम्प्लॉइंग पीपल इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल एंप्लॉयज को रिक्रूट करते हैं रिक्रूट करने के बाद उनके सिलेक्शन करते हैं रिक्रूट मतलब क्या है कि इन्वाइट uh, करते हैं सबको कि आओ आप अप्लाई करो सारे के सारे फिर उसमें से किसी एक बेस्ट कैंडिडेट को ये

प्रमोशन डिसाइड किया किसका प्रमोशन होगा साल भर में कितना अच्छा काम किया साल भर में कितना खराब काम किया सब रिकॉर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन में उस बेसिस पे प्रमोशन मिलता है आपको नेक्स्ट है मोटिवेशन एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एचआरएम डिपार्टमेंट ही क्या करता है क्लास इंसेंटिव तय करता है कि भैया इंसेंटिव क्या होगा अच्छा काम करोगे टारगेट करोगे अगर अचीव तो आपको कैश प्राइज मिलेगा आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी जो चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो आपको मिलेगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे राइट नॉन फाइनेंशियल मतलब क्लैपिंग करना सर्टिफिकेट देना जैसे मैच में होता है ना क्लास ऑरेंज के आप लगाया जाता है तो एक अच्छा फील होता है ऑरेंज क्या आप जिसके पास रहता है उसी तरीके से आई पी एल में कॉम्पनसेशन उनको पेमेंट यहां पे बात की जाती है सैलरी वगैरह उनको जो भी उन काम कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या सैलरी डिजाइन किया जाएगा क्या क्या इंक्रीमेंट होगा सब इसके अंदर आता है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेस्पॉसिबल फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल लोगों के वेलफेयर की भी बात की जाती है किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी दी जाए जॉब परमानेंट की जाए उनकी ताकि क्लास उनको पी वगैरह का पैसा मिले ताकि रिटायरमेंट पे उनको बेनिफिट मिले ये सब चीज डिसाइड होता है इवन क्लास रिव्यू एंड ऑडिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंडक्ट ऑडिट ऑफ द पॉलिसी ऑफ पर्सनल तो जो भी एम्प्लॉय के लिए पॉलिसीज बनाई गई है वो एक्चुअली

जो एम्प्लॉयज है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा मैटर वही करते हैं क्लास क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन को उठा कर ऊपर ले आ सकते हैं या क्लास कंपनी को तबाह कर सकते हैं अब बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस अब ये क्लास जो है इसके पॉइंट्स आठ हैं तो मैं आठ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक काम मैं आप लोगों से बोलूंगा अभी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस इससे पहले हमने करा था चार पॉइंट थे उसके अंदर राइट इससे पहले प्लानिंग का हमने करा था उसके अंदर सात पॉइंट थे एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है आपका दिमाग तो वैसे ना ही बोलेगा इस चीज़ को करने के लिए लेकिन आप एक बार कमेंट सेशन में जाओ और लिख के दिखाओ प्लानिंग के साथ के साथ पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग के चार पॉइंट तुम कभी नहीं भूलोगे प्रोसेस ध्यान रखना ये स्टेप तुम कमेंट में नहीं लिखना चाहते तुम कॉपी उठाओ कॉपी में लिख के दिखाओ तुम कॉपी में भी नहीं लिखना चाहते कॉमेंट में भी नहीं लिखना चाहते तो बैठो वीडियो को पॉज करो और एक बार क्विकली रिकॉल करो कि तुम किस लेवल पर पानी में हो तुम्हारा दिमाग बोलेगा नहीं देखती जाए वीडियो छोड़ बाद में कर लूँगा लेकिन नहीं तुम दिमाग को टेस्ट करो अपने कि हाँ यार मुझे याद भी है कि नहीं याद सच्चाई को जानो कि तुमने कितना याद कर रखा था और नहीं याद कर जरूर लेना राइट मैंने अपना काम करते जाओ सिलेबस अपना खत्म करते, करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की। आठ है। यार, स्टाफिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट देन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट फिर ये जो तीन है ये जो जितने भी क्लास छोटी कंपनीज होती है ना अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना पाती है एचआरएम डिपार्टमेंट तो वो साथ में ये तीन फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो हमने अभी की बात की थी ना प्रमोशन करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन ये तीनों आपको आपने अभी देखा होगा ना मैं आपको दिखा देता हूँ आपको याद आ जाएगा ये देखो क्लास ठीक है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हुआ ये रहा ठीक है कॉम्पनसेशन बेनिफिट है और करियर प्लानिंग भी होगा ये रहा करियर डेवलपमेंट तो ये सब चीज़ की जाती है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सबके सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ही पार्ट है तो अब एक, एक करके इन पूरे आठ के आठ पॉइंट को हम समझते हैं इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं साथ साथ राइट चलो तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर तुम्हें तुम अगर बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या होगा तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है तुम्हें किस टाइप की एंप्लॉयिज की जरूरत है उनके अंदर तुम क्या क्वालिटी क्या चीज़ ढूंढ रहे हो ये सारी चीजें क्लास सेट करना दिस इज कॉल्ड एस्टिमेट लगाना कि यार हाँ मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीड बाई ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड कितने एम्प्लॉय किस टाइप के एम्प्लॉय क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या उनके पास टैलेंट होना चाहिए क्या उनके पास जो भी चीज आपको चाहिए वो कितनी होनी चाहिए उनके पास ये सब चीज तुम डिसाइड कर लो और इसको डिसाइड करना कि कितने लोगों की जरूरत है इस चीज को डिसाइड करने के लिए क्लास आपको तीन तरह की एनालिसिस करनी पड़ेगी यू हैव टू डू थ्री एनालिसिस तो सबसे पहला जो एनालिसिस है वो है दिस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ टू परफॉर्म वेरियस जॉब इसको बोलते हैं वर्क लोड ध्यान रखना वर्क लोड एनालिसिस की तुम्हारे पास कितना काम है दिस इज कॉल्ड वर्कलोड और उसके बाद क्या है वर्क फोर्स एक बात ध्यान रखना कि तुम तुम्हें कितने क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ये हमें कौन बताएगा वर्क लोड एनालिसिस हियर दिस रिक्वायर फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर टू परफॉर्म वेरियस जॉब तो तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है कंपनी में अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को स्टडी करने के लिए क्या होता है वर्क लोड एनालिसिस सेकेंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस ये कहता है कि आपके एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितनी है जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितना है अगर ज़्यादा वर्कर हैं तो भैया उनको निकालो फिर उनको ट्रांसफ़र करो प्रमोशन करो या फिर कहीं भी निकाल दो टर्मिनेट कर दो उनको और कम एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो फिर आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं वो ज़्यादा काम है एम्प्लॉय कम है तो उनको हायर करो फिर भर्ती करो तो वर्क लोड कितना है वर्क फोर्स कितना है और तीसरा है जो कंपेरिजन है, आप इन दोनों कंपेयर करोगे मैनेजर कंपेयर बोथ वर्क लोड एंड वर्क फोर्स इफ द वर्क लोड इज मोर अगर लोड ज़्यादा है तो आप भर्ती करो स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू मोर एम्प्लॉय शुड बी हायर्ड एंड इफ वर्क फोर्स इज मोर अगर वर्क फोर्स ज़्यादा है इट मींस ओवर स्टाफिंग ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या है By, बे मतलब कि सैलरी दे रहे हो आप वर्कर्स को फिर वो अच्छे से काम भी नहीं करेंगे और वो डिस्टर्ब भी करेंगे तो उनको रिमूव करना पड़ेगा ट्रांसफर करना पड़ेगा

सेकेंड सेकंड है रिक्रूटमेंट अभी रिक्रूटमेंट क्या होता है राइट right? हम एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं एक प्रचार करते हैं कि हमारी कंपनी आपको ये ये सारे बेनिफिट देने वाले अट्रैक्टिव बेनिफिट हम लोग लगा के प्रचार कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए रिज्यू में भरें फॉर्म भरे हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो हम उनमें से सबसे बेस्ट को चूज कर सकते हैं एग्जाम्पल मुझे दस लोगों की ज़रूरत है ना तो मैंने एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार किया जॉब के लिए ठीक है और सिचुएशन वैकेंट का जो पूरा सिचुए है वो बना के न्यूज़पेपर वगैरह में डाल दिया अब लोग मेरे पास दस हजार लोगों ने अप्लाई कर दिया सिर्फ मुझे दस लोगों की जरूरत है तो उन दस हजार में से जो सबसे बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करने का मेरे पास मौका रहेगा एग्जाम्पल अगर मेरे को दस लोगों की जरूरत है और ग्यारह लोगों ने अप्लाई किया है तो यार मैं दस ग्यारह में से किसी भी दस को सिलेक्ट कर लूंगा चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो जैसा भी हो लेकिन अगर हमारे पास वाइडर चॉइस रहेगा तो हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है इट रेफर्स टू द प्रोसेस of inducing people

से आपको ना एक वाइडर चॉइस मिल जाता है जिसमें से आप सबसे अच्छे जो सबसे अच्छे लोग होंगे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो कॉलेज के एडमिशन में भी ही होता है लाखों लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कुछ हजार सिलेक्ट होते हैं तो

आप अप्लाई तो करो कोशिश तो करो हर कोई आके अप्लाई करे अब सिलेक्शन के अंदर क्या है हम इनमें से सबसे जो बेस्ट कैंडिडेट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं इट रेफर्स टू चूजिंग मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फुलफिल दैकेंट जॉब पोजिशन दिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस हियर नंबर सिलेक्टेड नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लेस दे कैंडिडेट और यह पॉजिटिव नेगेटिव प्रोसेस है क्यों क्योंकि यहां पर रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है ध्यान रखना हजारों एम्प्लॉज ने फॉर्म हजारों लोगों ने फॉर्म भरा है सौ को सिलेक्ट करना है दस को सिलेक्ट करना है पांच को सिलेक्ट कई बार एक या दो को भी सिलेक्ट करना होता है तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस में रिजेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं सिलेक्ट बहुत बहुत कम होते हैं इसीलिए क्लास सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है इट इज नेगेटिव प्रोसेस राइट चौथा सबसे पहला क्या था एस्टीमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट देन रिक्रूटमेंट देन सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद उनकी जगह उनको मिल जाती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्लेसमेंट मींस पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब फॉर व्हिच ही इज सिलेक्टेड ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भाई आपकी ये कुर्सी है आइए लीजिए बैठिए आपका कैबिन है आपका ऑफिस है आपका, आपका रूम है जो भी आपको दे दिया दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट अब उनको बुलाया सारे एम्प्लॉय को बुलाया एक साथ और बोला देखो ये हमारे नए एम्प्लॉयज़ हैं और आज से ये इस पोजिशन को संभाल रहे हैं ये बहुत एक्सपीरियंस है बहुत एक्सपर्ट है या जो भी इनकी तारीफें करनी है वो करो सबसे मिलाओ कि ये हमारे साहब है ये है ये, ये इस डिपार्टमेंट है इस कंपनी का ये काम संभालते हैं इस कंपनी का आपने मूवीज में जरूर सीन देखा होगा एक एंप्लॉयज को सबसे मिलवाया जाता है दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन कंपनी की भाषा में तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना थोड़ा कम्युनिकेट कराना बातचीत कर क्यों इससे ना इसकी ओरिएंटेशन हो हो तो प्रोग्राम होता है पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज होती है थोड़ा सा सब लोग आते हैं कुछ कुछ बातें बोलते हैं नए एम्प्लॉयज़ का स्वागत किया जाता है तो पढ़ लिख के अगर आप कुछ अच्छा बनोगे ना क्लास तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जाओगे जहां पर आपके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाएगा राइट दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन अब इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप देख सकते हो अब आप आपकी ट्रेनिंग की जाएगी आप अकेले तो आए नहीं होगा आप जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे आप सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कि यार काम कैसे करना है क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मोटिवेट किया जाएगा कहाँ पे कहाँ दिक्कत आती है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम बहुत जरूरी है आप जो पढ़ के लिख पढ़ लिख के जाते हो तब तो आपने थियोरेटिकल नॉलेज देखा है जब आप रियल में जाओगे कंपनी में तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगे आप तो सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है और नए एम्प्लॉयज को इम्प्रूव करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट रखने के लिए उनको लंबे समय तक टिक के काम कराने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पहले हम पांच पॉइंट दिमाग में सेट करते हैं तो सबसे पहला क्या था एस्टीमेटिंग मैन पावर रिकॉर्ड कहानी इधर समझो मुझे कितने लोगों की जरूरत है फिर मैं एप्लीकेशन दूंगा भर्ती करने के लिए रिक्रूटमेंट फिर मैं उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद क्या वो जगह दिखाऊंगा सिलेक्ट हो गए कांग्रेचुलेन ये रिप्लेस प्लेस आपकी ये सब जान पहचान कराओ प्लेसमेंट ओरियंटेशन फिर जाके कहीं ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो ट्रेनिंग जो है बेसिकली सिखाया जाता है डेवलपमेंट मतलब आपको मौका दिया जाता है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है आपको कि अच्छे से काम करोगे दो साल में आपका प्रमोशन होगा एक साल में आपका प्रमोशन होगा आपकी सैलरी बढ़ेगी तो एम्प्लॉई कहता है हां यारे सैलरी कम है कोई बात नहीं मेहनत से काम करूंग, अच्छा करूंगा एक साल बाद मेरी सैलरी बढ़ेगी तो अगर आप कंपनी को यह एहसास दिला सको कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हो सिंपल सी बात है आपकी तनख्वाह बढ़ेगी पहले मैं सोचू मुझे जबसी कि मुझे पहले कम दो कोई बात नहीं मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका तो दो क्योंकि फ्रेशर को तो वैसे भी सैलरी कम मिलती है राइट तो आप एक बार लग गए काम को सीख तो ले तब कंपनी लगे यार भाव ये वर्कर कितना अच्छा काम कर रहा है तो अपना आप तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे धमकी देना मैं जा हमें जारों भाई के नहीं बढ़ा रहे तो मेरे को नहीं समझ रहे आप तो अपना आप ही वो सैलरी बढ़ाएंगे नहीं तो आप किसी और कंपनी में जाओगे एक्सपीरियंस लेटर लेके तो तो वो पक्का आपकी काबिलियत समझेंगे रियल लाइफ में ऐसी होता है आ, सेम कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही होती लेकिन जब आप छोड़ के किसी और जगह जाओगे तो आपकी सैलरी को बढ़ा देंगे वो उसी पोस्ट पर किसी और को ज्यादा ज्यादा सैलरी देकर रख लेंगे बट आपको नहीं देंगे कई बार ऐसा सुनने को मिलता है बच्चे बताते हैं प्लेसमेंट ओरटेशन हो गया ट्रेडिंग डेवलपमेंट अब यहाँ पे होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय की सारी की सारी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा एम्प्लॉय साल भर में जितने भी टारगेट्स अचीव कर रहा है जितने भी टारगेट अचीव नहीं कर रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा राइट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाएगी सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा सो so दैट जब उसका प्रमोशन किया जाए तब क्लास इस रिपोर्ट से देखकर उसका प्रमोशन तय किया जाएगा उसे कितना प्रमोशन मिलेगा इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग अब आपका प्रमोशन होगा जिसका अप्रेजल रिपोर्ट सबसे अच्छा है उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एम्प्लॉइज आर प्रमोटेड टू अ हायर जॉब पोजिशन विद मोर अथॉरिटी एंड पे तो उनको पे ज्यादा मिलता है उनको अथॉरिटी ज्यादा मिलती है क्लास पावर ज्यादा मिलता है सैलरी ज्यादा मिलती है क्लास और उनका प्रमोशन हो जाता है अगर आप अच्छे से काम करोगे तो सबसे पहला क्या था, तो था? था? रिपोर्ट प्रमोशन के बाद आपको पैसा मिलेगा, आपको जो रोकड़ा मिलेगा इट इज फाइनेंशियल पेमेंट फॉर इंक्लूड्स डायरेक्ट पेमेंट सच वेजेस सैलरी डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर टू राइट टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस ना टाइम बेसिस पे किया साँगा. हर महीने हर साल की सैलरी हर छह महीने की हर वीक का या फिर परफॉर्मेंस बेस इतना आउटपुट बनाया तो आपको इतना पैसा मिलेगा ध्यान रखना कॉम्पेंसेशन दो तरीके से टाइम के बेसिस पे या परफॉर्मेंस के बेसिस पे समय कितना दिया या आपने परफॉर्मेंस कैसी की उस बेसिस पे राइट तो ये हो गया क्लास आपका स्टाफिंग का पूरा का पूरा प्रोसेस आई होप क्लास स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस आप बहुत अच्छे से याद करके आओगे मैं एक बार फाइनली रिवाइज करा देता हूं आपको सबसे पहला क्या था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट उसके अंदर तीन पॉइंट थे वर्कलोड वर्क फोर्स और क्लास कॉम्पनसेशन फिर उसके बाद था रिक्वायरमेंट सॉरी कॉम्पन कंपेरिजन फिर था रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट के बाद था सिलेक्शन रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है सिलेक्शन नेगेटिव है और मोस्ट प्रोमिसिंग कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन के अंदर फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट फिर आपका रिपोर्ट बनेगा रिपोर्ट फिर करियर प्लानिंग और प्रमोशन होगा और फिर आपको कॉम्पेंसेशन टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस दिया जाएगा आई होप क्लास यहां तक और रिक्रूटमेंट हमने पूरा किया सॉरी मैनेज एच हमने पूरा किया स्टाफिंग प्रोसेस पूरा किया अगली क्लास में आगे का पोर्शन देखेंगे तब तक के लिए क्लास टेक केयर बाय बाय वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना अकाउंट्स ईको का प्लेलिस्ट आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा तो आप चाहो तो अकाउंट्स ईको का भी प्ले उठा के पूरा देख सकते हो पाउंट ईको बी एस सब कुछ मैंने अच्छे से कर रखा है ठीक तो है आप लिंक इस पर क्लिक करके प्लेस्ट पर डायरेक्टली एंटर कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करना और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करना अगर आपको लग रहा है अच्छे से पढ़ा रहे डेफिनेटली क्लासेस अच्छे एजुकेशन को हर हर बच्चे तक पहुंचाओ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में